छत्तीसगढ़ में इन दिनों सीएम भूपेश बघेल को दिए गए काका संबोधन को लेकर सियासत चल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के काका को खाका कहने पर गुदरदेही विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह निषाद ने इसे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान बताया है और पलटवार करते हुए संसदीय सचिव ने कहा कि ये टाइटल खुद मुख्यमंत्री ने नहीं दिया बल्कि युवाओं ने और प्रदेश की जनता ने दिया है। काका है तो भरोसा है और काका अभी जिंदा है को हर वर्ग के लोग संबोधित करते हैं। अगर गिरिराज सिंह काका को खाका बता रहे हैं तो शायद गिरिराज सिंह काका शब्द का अर्थ नहीं जानते। दरअसल गिरिराज सिंह ने अपने बस्तर दौरे के समय ये कहा था कि यहाँ के काका नहीं बल्कि खाका है जो भारत के पैसे को खा गए हैं, बस्तर में धर्मांतर को छूट दे रहे हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रही है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाहर से आने वाले को ये पता नहीं कि छत्तीसगढ़ में रिश्तों का कितना महत्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की जनता काका के नाम से संबोधन करती, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, और काका एक प्यार भरा संबोधन होता है जिसके लिए आत्मीयता होती है, लोग उसे काका के नाम से पुकारते हैं। यदि आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में नहीं देश में काका के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और उस काका के नाम को जो छत्तीसगढ़ के लोगों ने उसे एक नाम दिया है एक प्यार से, उस संबोधन के प्रति यदि माननीय केंद्रीय मंत्री जी का ऐसा वक्तव्य आता है, मैं बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता से उसे माफ़ी मांगना चाहिए। खाका कहना मतलब छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान उन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ के प्रेम संबोधन का अपमान किया है। या तो वो दिवालियापन हो गए हैं या उनकी मानसिकता खराब हो गई है, उसे जवाब देना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की जनता इसका माकूल जवाब देगी आने वाले 2023-2024 के चुनाव में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है और उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ की जनता, यहाँ का नौजवान आदरणीय भूपेश बघेल जी को काका शब्द से संबोधित क्यों करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए, घर के गार्जियन को, घर के गार्जियन के छोटे भाई को, पिता के छोटे भाई को पिता तुल्य कहा जाता है। वही सम्मान छत्तीसगढ़ के युवाओं ने आदरणीय भूपेश बघेल जी को दिया है और एक भरोसा है, भरोसा के कारण उन्होंने काका शब्द से संबोधित करके, चाहे नौजवान हो, आजकल तो बुजुर्ग लोग भी काका शब्द से संबोधित करते हैं। खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा घुरवा बारी जैसे उनकी योजना है, उसमें भी वो अपने राज्यांश दे नहीं पा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं एक किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, यहाँ पर यदि किसानों का भी 2500 रुपये धान खरीदी की जा रही है, उसमें भी 2380 रुपये केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। ये कांग्रेसी को कौन समझाए कि उनके द्वारा लगातार यहाँ प्रचारित किया जा रहा है कि केवल केंद्र द्वारा धान का पैसा दिया जा रहा है लेकिन धान से ही चावल निकलती है। तो इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री द्वारा जी द्वारा जो उनको खाका कहा जाए वो उचित है। बालोद से केपी चंद्राकर की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सी डिवीजन टीवी।